ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आदिसू यूथ द्वारा मंगलवार को जुगसलाई नगर का घेराव किया गया और जुगसलाई आस पास कचड़ों के अंबार पर रोष प्रकट किया। उनका नेतृत्व कर रहे जिला उपाध्यक्ष शहजादा नदीम ने कहा कि जल्द से जल्द पूरा साफ नहीं होता है तो नगर पालिका के मुख्य द्वार को कचड़े से पाट दिया जाएगा। हफ्ता पहले आसू पार्टी के नेतृत्व में यहाँ विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था। जुगसलाई के बकरीद दुर्गा पूजा और बकरीद पर्व में साफ सफाई और जो वाइपर लाइट जो एंड ट्यूब जो लगा हुआ उसमें मरम्मत की मांग की गई थी, मगर मांग पत्र सौंपने के बाद ऐसा लगा कि और कुछ काम नहीं हुआ। जुगसलाई में दुर्गा पूजा और बकरीद के ध्यान में रखते हुए नगर पालिका के लोग सोए हुए थे। इससे पूर्व भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ ठेका मजदूर को काम में लगाया जाता था, मगर इस बार ठेका मजदूर को भी काम में नहीं लगाया गया है। जुगसलाई के लोग पर्व में पार हो रहे हैं, नमाज पढ़ के जा रहे हैं, नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहे हैं, नाली में बह गया, पूरा जाम लग गया, पानी रोड में बह रहा है। और सिद्धगुड़ा की रहने वाली रूमा मलिक ने ऐसे अपने भाई और ससुराल पक्षों पर जायदाद के लिए मारपीट कर निकाल देने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दस मिनट दस से सिंधु रोड से आए हैं। क्या हुआ आपके साथ? जमीन जायदाद लेके घर में लड़ाई हो रहा है, भाई और अपने ससुराल वाला लोग मिलकर हम लोग को घर से निकालना चाह रहा है और मारा है बहुत, मैंने माथा में मारा है, आँख में भी मारा है। क्या नाम है? भाई का नाम है मीर मलिक, जो बाप के सर्विस चिंतन में काम कर रहा है। पत्नी और ससुराल वाला के साथ मिलके हम लोग बहन लोग को घर से निकाल, हम गए थे सिद्धगुड़ा थाना में और लोग बुलाए, मामूली सी मामला है, कुछ नहीं होगा, जाओ तुम लोग का हम ऐसा कर देंगे। दुर्गा पूजा के 6 दिनों बाद बंगाली समुदाय कोजा गोरी लक्ष्मी पूजा करते हैं। घर में धन धान्य और समृद्धि के लिए उक्त अनुष्ठान की जाती है। बंगाली समुदाय की महिलाएं निर्जला व्रत रख कर कोजा गोरी लक्ष्मी पूजा की अर्चना करती है। इस अनुष्ठान का सबसे जरूरी ये है कि प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाता है। कोजा गोरी लक्ष्मी पूजा हम लोग बंगाली समुदाय में बोलते हैं, वही हो रहा है, मैंने लक्ष्मी जी का तो कभी विसर्जन नहीं होता है, हम लोग घर में लाते हैं, फिर लक्ष्मी पूजा जो होता है वो 6 दिन बाद आता है दुर्गा पूजा के बाद, तो पूजा हम लोग सब घर में करते हैं, उसमें धन संपत्ति का कभी कोई ये नहीं होता है, संपदा रहता है हम लोग के ऊपर, इसलिए हम लोग ये सब करते हैं। झारखंड राज्य एनआरएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ ने उपायुक्त से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर एनआरएचएम के सभी अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। जो भी कार्मिक के फाइल गई हुई थी उस कार्मिक को कैबिनेट के थ्रू पास करना था, इसकी पिछले बार जो हम लोग स्ट्राइक हड़ताल को वापसी का हुआ था और मंत्री जी ने 7 शब्दों में कहा था कि आपका जिसे
आज के एमपीडब्ल्यू के 30 तारीख तक डेट में तक थे और 30 तारीख के बाद इनको हटा दिया गया है, लेकिन उनको बोले थे कि उनको हटने नहीं दिया जाएगा। बट यहाँ पर हम सरकार की दोहरी नीति चल रही जिसके कारण सभी अभी जितने भी एमपीडब्ल्यू खास करके हैं आज हटा दिया जाएगा और नेक्स्ट डे में हो सकता है कि जिसके जिसके जब जब क्योंकि हर की एक अवधि है, अवधि के बाद हो सकता है सभी का विस्तार ना हो गोपाल मैदान में आगामी 10 से 18 अक्टूबर तक स्वच्छता आयोजन होगा। इसके लिए मंगलवार को भूमि पूजन हुआ। आयोजकों ने बताया कि लगभग 300 दुकानों की बुकिंग हो चुकी है। ओम नमो नमः पते का प्रभाया। क्यों हो रहा ये मेला जो है? आज तो भूमि पूजन का कार्यक्रम था और 10 तारीख से 18 तारीख तक ये मेला चला। मेले का उद्घाटन 11 तारीख को संध्या 6 बजे रघु जी के द्वारा होगा और इस मेले में करीब करीब 350 स्टॉल बनाने की इच्छा है और हम लोग उसी योजना में रहे हैं। करीब करीब 300 की बुकिंग भी हो चुकी है। मोड़ के पास मंगलवार को आधुनिक उपकरणों से लैस दीवा नामक ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन हुआ। महिलाओं के लिए रियायत दर पर यहां हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। पार्लर में प्रशिक्षित महिलाएं अपनी सेवा प्रदान करेंगी। बाहर के सलोन से भी बेहतर यहां पे सर्विसेज दी जाती है और कुछ फेस्टिवल टाइम में जैसे कोई फेस्टिवल आता है उसमें हमारे यहाँ काफी सारे ऑफर्स आते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं। कस्टमर्स जो है हमारे लोकल तो आते ही हैं, खासकर बाहर के कस्टमर्स भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ही आते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सर्विसेज मिलता है, इसलिए क्लाइंट भी बहुत अच्छा ही उनका रिस्पांस रहता है, तो हमारे यहाँ बहुत ही इसके खुशी में ये मना। साउथ प्रोडक्शन के तहत भोजपुरी फिल्म आइलैंड दुलरवा हमारे के ऑडिशन 10 अक्टूबर को होगा। ऑडिशन में हर आयु वर्ग के कलाकारों को आमंत्रित किया है। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन में दी गई। ये जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है साहू प्रोडक्शन के बैनर तले एक भोजपुरी फिल्म बन रही है जिसका नाम है आइलैंड दुलरवा हमार। इसमें कलाकारों के चयन के लिए हमने 10 तारीख यानी शुक्रवार को एक ऑडिशन रखा है। ऑडिशन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा होटल बुलेवर्ड बिस्टपुर में, जिसमें झारखंड के अलग अलग प्रांतों के अलावा बिहार से कलाकार आ रहे हैं और उस कला वहाँ ऑडिशन के दौरान अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और अपने भाग के आधार पर जो हमारा प्रोडक्शन टीम है उन्हें में अलग अलग कलाकारों में काम करने का मौका मिलेगा। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए मारवाड़ी महिला मंच सुरभि द्वारा उन्हें कई ब्यूटी टिप्स व अन्य फिजिकल एक्टिविटीज सिखाई जा रही है। यहाँ पर कुछ ब्यूटी टिप्स घरेलू ब्यूटी टिप्स भी डाली है। महिलाएं घर का काम छोड़कर बाहर निकल नहीं पाती है, इनके चलते ये हम लोग कार्यक्रम किए हैं आज यहाँ पर। तो जो पार्लर की हमारी है अन्नू प्रसाद, इसमें हमारी बहुत सहायता की है इन्होंने, इनके पार्लर में भी बहुत आया जाता है। वो यहाँ पर ये बता रही है कि घर से क्या क्या हम लोग ब्यूटी टिप्स दे सकते हैं उसके बारे में हमें जानकारी दे रही है।